है भारत, रग रग में है जीत की आदत, ऐसा हुनर दुश्मन भी सलामी दे। तू सूरज हम तेरे उजाले, तुझसे जुदा नहीं होने वाले, आखिर तक हम सफर दे होंगे के। जय हिंद जो नस नस में है, हर बाजी फिर बस में है, जिद जान के हिंदुस्तान बोले। पहले तो मनीष बहुत 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 बधाई हो आपको। तो अभी मनीष ने बहुत अच्छे मार्क्स ले आया है ना, अभी मेरे को पूरा पता चला आप मनीष के बारे में। तो अब बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है, बहुत सारे बच्चों को यार आप मोटिवेट करने वाले हो, जब आपकी स्टोरी बाहर जाएगी और बच्चे देखेंगे, है ना। जो क्योंकि इस साल थोड़ा सा निराशा वाला माहौल भी रहा, क्योंकि एकदम से रैंक बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ना, रैंक इन्फ्लेशन हो गया, कट ऑफ बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं कि ऐसे इंक्रीज हो गई है ना। अब ये कैसी रही जर्नी, कितने साल से हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमने कैसे फाइनली 690 तक हम लोग पहुँच गए, तो कैसी रही जर्नी आपकी? जर्नी तो सर इंजॉयबल थी, बहुत मज़ा आया। इंजॉयबल थी, मज़ा आया। ये था अप डाउन तो होता रहा, वो अलग ही था, लेकिन एट द एंड जब रिजल्ट आया तो फिर उसके बाद सारे वो सब पता ही चले हो कि कितना दुख था वो सब खत्म। तो कब से प्रिपरेशन स्टार्ट करी अपन ने? 2021 से। और कितने नंबर आए थे उस बार? उस बार आए थे 504। 2022 में दोबारा दिया। हाँ, उसमें क्या किया था, मेरे को लगा था मटेरियल की कमी है मेरे पास, तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब ऑनलाइन मटेरियल में ढूंढता रहा, अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप सारे अलग अलग क्वेश्चन देखता रहा और लेक्चर देखता था, बस लेक्चर ही देखता था, क्वेश्चन ही सॉल्व करता था। ठीक है, तो आंटी जी जब तीसरा अटेम्प्ट बच्चे ने दे दिया था, है ना, जब इसके 595 नंबर आ गए थे 2023 में, तो चौथे अटेम्प्ट में वापस जाने के लिए तो कितनी, क्योंकि बहुत हिम्मत लगती है जब बच्चा का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा होता, लेकिन बच्चा बहुत करीब है उस सिलेक्शन के। 595 तो मतलब ऐसा है कि आप बॉर्डर पे हो, थोड़ा सा आपको बस और क्रॉस करना है और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो उस टाइम पे कैसा रहता था, आपने इससे क्या बातचीत करी, किस तरीके से? सर ये तो बीच में इसने हिम्मत भी थोड़ा सा कमजोर कर लिया था कि मम्मी बार बार तो इतना भी प्रेशर पड़ते हुए भी नहीं आ रहा, तो हिम्मत नहीं हो रहा है, पर हम लोग ने बहुत बोले नहीं बेटा ये तो बार बार की जंग है, जितनी बार जंग लड़ते हैं ना उतनी तेज हमारी आगे होती बुद्धि, ये जंग है, ये तो जंग में हमेशा, अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो आपकी बहुत लंबी है समय जाने का। 2023 में तो मैंने सर छोड़ दिया था कि मतलब MBBS नहीं करूंगा, BMS ले लेता हूँ। अच्छा, वो दिल्ली का कॉलेज बढ़िया समझ रहा था। हाँ, फिर लेकिन लास्ट टाइम पे मतलब घर वालों ने बोला कि नहीं करना है तो MBBS ही करना है, तो MBBS, गाँव में कोई भी डॉक्टर नहीं है MBBS भी, तो गाँव के पहला डॉक्टर फैमिली में। अच्छा, सबसे फर्स्ट। बहुत बहुत बधाई हो उसके। सर आपको तो अंकल अब लड़का डॉक्टर बनने वाला है, कैसी रही अंकल आप, क्योंकि जब एग्जाम देता है बच्चा तो उसके साथ में बच्चा तो प्रिपरेशन करता ही है, साथ साथ में उसके माँ बाप भी उसके साथ ही लगे हुए रहते हैं, उसके साथ उतनी ही मेहनत करते हैं, सारी चीजें प्रोवाइड कराते हैं उसको। हम लोग का तो बहुत अच्छा लग रहा है जी, क्योंकि इतना मेहनत करते हैं जी जी। मैं तो इतनी खुश हूँ, प्राण मेरी निकल जाएगी, इतनी खुश हूँ, इतने छोटे परिवार से बिलोंग करते हैं, अब हमारे घर में इससे भी पूरी क्या हुआ है, मेरे घर में दरवाजा तक भी नहीं है, अभी गांव में घर में, पर मैंने अपने बच्चे को भविष्य के लेके मैं बाहर आई हूँ, बाहर में आके मैं इस बच्चे के खाली मुँह बेटे में अपनी बोली कि मेरे लिए सब कुछ यही है प्रभु, बस इस बच्चे को मुझे इतनी अच्छी मुकाम पर, और बहुत मेहनत किया इसने, इतनी मेहनत किया हमसे तो ज़्यादा हमारे बच्चे मेहनत किया, इसने कभी भी जिक्र नहीं किया मम्मी मुझे शादी में जाना है, मम्मी मुझे पार्टी में जाना है, ना मुझे मम्मी ये शर्ट चाहिए, मुझे ये पैंट चाहिए, चाहे मुझे ये खाना है, कभी इसने मुझे कभी जिक्र ही नहीं किया आज तक। मैं कह दूँ बेटा आज नहीं है पैंट फटा हुआ है तो कोई बात नहीं सिलाई कर देता हूँ चले जाओ, इसलिए मैं सिलाई भी करती हूँ। अच्छा, आप सिलाई करती? हाँ, दिन रात करके सिलाई करती हूँ, जाके मेरे बच्चे का पेन कॉपी हर चीजें थोड़ी थोड़ी जरूरत पूरी करूँ अभी। अब कोई वो दिक्कत नहीं है, आपकी जितनी भी आगे की फीस रहेगी आपकी MBBS की, हाँ, वो पूरा का पूरा कंपनी स्पॉन्सर करेगी, वो पूरे का पूरा कंपनी देगी, आपको बिल्कुल भी किसी भी चीज की परेशान नहीं होना है, है ना, बस आपको एक ही चीज करनी है, आगे पढ़ते जाना है,
है ना, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है ना, और इस देश की सेवा में लगना है बिल्कुल से। तो अच्छा है मनीष, है ना, आपकी स्टोरी ये सुन के यार बहुत, मतलब मेरे को लगता है कि लाखों बच्चों तक ये स्टोरी पहुँचेगी और लाखों बच्चे इससे इंस्पायर होंगे जो शायद सोच रहे थे कि यार ड्रॉप ले लेते हैं या MBBS छोड़ देते हैं, है ना, वो वापस से उनका सपना जगेगा कि नहीं यार यही सपना है, यही क्लियर करना है, और वो वापस से शायद मेहनत करने उठे। तो बेटा ये इम्पोर्टेंस है, आप लोग भी मेहनत करिए, और हम तो यार दिल से ये चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम ऐसे आपके सामने बैठे, आपके सामने आपकी स्टोरी कवर करें, और आपका भी जो इंटरव्यू है वो देख के लाखों बच्चे इंस्पायर है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। जश्न है भारत, रग रग में है जीत की आदत, ऐसा हुनर दुश्मन भी सलामी दे। तू सूरज हम तेरे उजाले, तुझे